छन्नी में डाला तो कोई नहीं टिकेगा, ऐसे कायर लोगों को रखकर यह क्या कर लेगा। हाँ साहब, आपने सही कहा, हम कायर थे, ताकत नहीं थी, भरोसा भी नहीं था, मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी। लेकिन जब उसने काली माँ के सामने उस राक्षस का सर धड़ से अलग किया ना, उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाचे, उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई था, उस हवा ने नराज जी के हरेक को सांसें दे दी। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब। सभी तुझसे ही ठंडक पड़े।